नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज उर्फ धीरज यादव के यहाँ आज इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी कि आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा छापेमारी की गई। पटना, अरवल, आरा, उनके सभी ठिकानों पर छापेमारी की गई। और आपको जानकर ये हैरत होगा कि ये सिपाही हैं और इनका अपना खुद का 2 दर्जन से अधिक ट्रक चलता है। पटना में आलीशान बंगला है इनका। आप समझ सकते हैं कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन जो होता है वो सिपाहियों का सबसे बड़ा एसोसिएशन है, जिसमें सिपाही और एएसआई रैंक तक के जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। और चुनाव भी इनका बहुत लंबा चौड़ा होता है। चुनाव में जीतने के लिए और अध्यक्ष बनने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है, काफ़ी मीटिंग करना पड़ता है और सारे पुलिसकर्मियों को अपने पक्ष में करना पड़ता है। कारण उसका यही है कि इसके माध्यम से इसका नजायज़ फायदा भी उठाया जा सकता है, जैसा कि नरेंद्र कुमार धीरज ने उठाया है। आपको हम पूरा मामला बताते हैं। बिहार पुलिस का एक सिपाही करोड़पति है। संपत्ति इतनी कि उसके आगे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी फीके पड़ जाए। मंगलवार को आर्थिक अपराध शाखा की छापेमारी में बिहार के इस सिपाही के पास इतनी प्रॉपर्टी की जानकारी सामने आई कि जांच में जुटे अधिकारी भी हैरान रह गए। प्रारंभिक जानकारी में सिपाही के पास 2 दर्जन से ज्यादा ट्रक और पटना में आलीशान बंगला होने की बात सामने आई है। इसी बंगले में आज छापेमारी की जा रही है। ये बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार धीरज। बिहार पुलिस में इनका संख्या जो है 2187 है, जो उनकी पुलिस बैज पर नजर आती है। लेकिन नरेंद्र कुमार धीरज की पहचान यह नहीं है। ये बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मतलब कि सूबे के सभी पुलिस कर्मियों के संगठन के बॉस हैं। अब इस बॉस के पद पर बैठने के पुलिसकर्मियों के अधिकारों की लड़ाई में भले ही कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन अपने नाते रिश्तेदारों के साथ जमकर संपत्ति अर्जित की है। अब पुलिसकर्मियों के संगठन के बॉस के अवैध संपत्ति की सच्चाई सामने आई है, उसके बाद यकीन करना मुश्किल है कि एक सिपाही के पास इतनी संपत्ति कैसे हो सकती है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सिपाही के 25 से ज़्यादा ट्रक चलते हैं। यूपी के सीमाओं पर चलने वाले ट्रकों पर उनकी गहरी पैठ बनाई जाती है। इसके अलावा उनके पास कई आलीशान बंगले होने की भी बात कही जा रही है। ईओयू की तरफ से जानकारी जो दी गई है कि पटना जिला बल का भ्रष्ट सिपाही अपने पद का दुरुपयोग कर स्वयं अपने परिजनों के नाम पर करोड़ों की परिसंपत्ति अर्जित की है, जो उनके लोक सेवक अवधि में प्राप्त आय से अधिक है। बताते चले कि पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के 9 ठिकानों पर आज ईओयू ने एक साथ रेड किया। जिन जगहों पर छापेमारी की जा रही है उनमें पटना के महावीर कॉलोनी बेउर स्थित धीरज का आवास, भोजपुर के सहार थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव में पैतृक आवास, अरवल में अरोमा होटल के सामने अवस्थित मकान जो भाई का है, वही आरा शहर में भाई सुरेंद्र के कृष्णानगर स्थित 4 मंजिला मकान और दूसरा 5 मंजिल का मकान, एक और भाई विजेंद्र कुमार विमल के आरा शहर स्थित कृष्णानगर स्थित 5 मंजिला मकान, एक और भाई श्याम बिहारी हैं जिनका आरा में स्थित मॉल और आवासीय मकान भी है। भतीजा धर्मेंद्र कुमार का आरा में आशुतोष ट्रेडर्स नाम की दुकान है और एक भाई सुरेंद्र कुमार के नारायणपुर आरा स्थित छड़ सीमेंट की दुकान एवं आवास शामिल है। तो ये 9 जगहों पर छापेमारी चल रही है और सिपाही हैं नरेंद्र कुमार धीरज जो हैं सिपाही हैं, बावजूद इनके 25 से ज़्यादा इनका ट्रक चलता है, आलीशान बंगला है पटना में, मकान है इनका। तो ये काफ़ी हैरत हो रहा है सुन के कि एक सिपाही के पास इतनी संपत्ति कैसे हो सकती है। तो आपको बताएं कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन का अध्यक्ष होना अपने आप में बड़ी बात है। ये संगठन जो है ये बिहार पुलिस के जितने भी सिपाही हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ता है, उनके न्याय के लिए लड़ता है और बड़ा ही प्रभावशाली संगठन है, जिसके सामने जिसकी बातों को बड़े बड़े अफसर मानते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया है। दुरुपयोग जो है अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम संपत्ति बनाने में किया गया है, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के छापेमारी के द्वारा परत दर परत खुलते जा रहा है। अभी छापेमारी चल ही रही है। जो सूचनाएं आई हैं वो हमने आपके साथ शेयर किया।
पूरा जब छापेमारी कंक्लूड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद की भी हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।